रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकैन स्थित प्रेक्षा गृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो ने दो पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारा, जिस पर दो पहिया बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक राहगीर के अनुसार चार पहिया वाहन की गति लगभग 100 पार थी और बाइक सवार चार पहिया को हाथ देकर गति धीमी करने के लिए कह रहा था कि तभी चार पहिया ने बाइक पे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चार पहिया का एयरबैग खुल गया और बाइक पर सवार दोनों सड़क के किनारे फेंका गए, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बाइक सवार का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति सामान्य है और दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने पर भिजवा दिया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि स्कॉर्पियो व मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठे दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी स्थिति अब सामान्य है। सीओ कैंट ने बताया कि चार पहिया वाहन को कब्जे में लेकर थाने पर भेज दिया गया तथा मालिक व ड्राइवर की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहगीर राजेश एवं सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, अरे भैया जब लगा फेंका की गाड़ी चले ना क्यों रहा है, बहुत तेज कृपया हेल्प करिए, वो दोनों मरीज के साथ गए सदर हॉस्पिटल और जो आज बंदे थे सुन करने के लिए तो सुई बोलते हैं, तो आप चॉइस कर लीजिए आप सुन वाला सुई लगवाइएगा क्या सुन रहा है। अच्छा ठीक है, इनका क्या है जैसे उधर कर लिया ना हमारा राजेश नाम है। घटना हुई है भैया, हाथ दो आदमी दे रहे थे, बाइक पे बैठे थे और उन्हें हाथ स्कॉर्पियो के देने चाहते थे, स्कॉर्पियो कंट्रोल नहीं हुई मगर वो पूरा तेज से स्पीड से मारे हैं और मारने के बाद गाड़ी खड़ी हो गई है। फिलहाल हम मौजूद में आ गए हैं, उसके बाद दोनों आदमी को स्कॉर्पियो में से निकाले हैं, चारों आदमी को उसके बाद बैठाए हैं, उसके बाद ऑटो रोके हैं, उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। चोट लगी है दो पहिए वाले की, चोट लगी है दो आदमी को, चार पहिए में सब सेफ्टी बचे हैं, कोई को घाव नहीं लगा है। कितनी स्पीड रही होगी? स्कॉर्पियो 80 थी और दोपहिया नरम थी। अधिकतर चोट जो पीछे बैठा था उसको आई है। अभी क्या स्थिति है? स्थिति भैया सही है और उसके बाद हॉस्पिटल गए हैं। वैन पर एक बाइक और एक चारपहिया वाहन एक्सीडेंट हुआ था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे जो घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति ठीक है। बाकी स्कॉर्पियो को थाने पर ले जाया गया है, स्कॉर्पियो का चालक अभी मिला नहीं है, जैसे वो मिलता है और डिटेल आपको बताया जाएगा। सर मुकदमा भी इसमें पंजीकृत हो रहा है? अभी तो तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होती है तो मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा।